हेलो एवरीवन वेलकम टू इकोहॉलिक्स आई एम श्रुति झा और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया तो जैसा कि आपको पता है कि आप इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इकोनॉमी से रिलेटेड अगर हमको कुछ भी काम करना है तो हम फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी के अलावा हम सोच नहीं सकते इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रन करेगी तो चलिए आगे देखते हैं सो so, अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी पॉलिसी आखिर है क्या तो देखिए जैसा कि मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी वीडियो में बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आर बी आई लेकर आता है बट जो पॉलिसी है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट लेकर आती है और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कैसे लेकर आती है तो टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कि फिजिकल पॉलिसी किस तरीके से रन करेगी हमारी गवर्नमेंट ने किस तरीके से पैसे को स्पेंड किया किस तरीके से उन्होंने टैक्सेस का रेट रखा अच्छा इसमें यह भी है अगर उनको चाहिए कि इकोनॉमी स्लगिश हो रही है स्लो हो रही है ठीक है तो वो टैक्सेस को क्या करेंगे वो टैक्सेस को कम कर देंगे जिससे जो है वो लोगों के पास ज्यादा पैसा रहे तो वो इकोनॉमी में इंजेक्ट करें और अगर उनको लग रहा है कि ठीक है लोग ज्यादा ओवर स्पेंड कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे टैक्सेस को बढ़ा देंगे इसका मतलब जब टैक्सेस को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास पैसा कम होगा क्यों होगा क्योंकि आधा पैसा जो है उनका वो टैक्सेस में जा

अगर गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर काम कर रही है ठीक है अगर फिस्कल पॉलिसी पे काम कर रही है तो कहीं से भी अगर पैसा इधर उधर हो रहा है तो वो सब चीजें जो है वो इंपैक्ट करती हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका रिड्यूस भी होगा राइट आपकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी जैसे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होगा जो महंगाई है वो भी कंट्रोल होगी क्योंकि आपको पता है जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पे ल, जो है वो रन करता है राइट right? अगर डिमांड ज्यादा होगी तो डेफिनेटली आपको पता है कि डिमांड ज्यादा है तो गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस कम हो जाते हैं अगर डिमांड कम है तो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस ज्यादा हो जाएंगे तो ये चीज जो है वो पूरा इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है ठीक है ओके नेक्स्ट द गवर्नमेंट कैन एडजस्ट स्पेंडिंग लेवल्स और मॉडिफाइड टैक्स रेट्स टू अचीव इट्स डिजायर्ड फाइनेंशियल आउटकम्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करता है कि, कि किस तरीके से उनको काम करना है राइट right? अगर टैक्स रेट से रिलेटेड है टैक्स रेट कम करना है कि ज्यादा करना है पूरा गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को स्टडी करके डिसाइड करती है जैसा कि आर भी हमारी इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करता है कब उनको पैसा इंजेक्ट करना है कब उनको जो है वो खींचना है मार्केट से पैसा ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस होती हैं ओके नेक्स्ट उ डस फिजिकल पॉलिसी ऑपरेट ओके आखिर फिजिकल पॉलिसी के क्या टूल्स हैं तो मॉनिटरी पॉलिसी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मॉनिटरी पॉलिसी के टूल्स थे टूल्स हैं और ये दो ही टूल्स हैं जैसे कि आप बोल सकते हो कि टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ना तो टैक्सेस किस तरीके से गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है या फिर टैक्स कम कर रही है और दूसरी चीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ठीक है कितना गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में सब्सिडीज में बहुत सारी ऐसी स्पेंडिंग्स होती हैं बजट होते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल एरियाज में एस्पेक्ट्स में बजट होते हैं रेलवे बजट होता है फिर एक्सपेंडिचर बजट होता है राइट right? तो ये सारी चीजें जो है वो ओवरऑल एज अ आप बोल सकते हो कि एक साथ काम करती हैं ओके वेन द इकोनॉमी इज स्लगिश इट सजेस्ट दैट द पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग मनी इन परचेजिंग गुड्स दैट्स वाई री अंडरस्टुड पॉइंट कि अगर इकोनॉमी हमारी डाउनफॉल हो रही है नीचे जा रही है ठीक है इसका मतलब कि हमारे जो लोग हैं हमारे सिटीजन हैं वो ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे मार्केट में वो ज्यादा गुड्स और सर्विसेस नहीं खरीद रहे हैं राइट तो इसके लिए गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि ठीक है हम किस तरीके से ऐसा काम कर सकते हैं कि लोग जो है वो लोगों के पॉकेट से पैसा निकले और मार्केट में सर्क्यूलेट हो ओके देन With मोर डिस्पोजेबल इनकम पीपल आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन गुड्स एंड services, विच बूस्ट डिमांड एंड क्रिएट्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज ठीक है तो अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा स्पेंड भी करेंगे तो ये भी एक तरीके का आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट होता है हमारी इकोनॉमी के लिए राइट नेक्स्ट Conversely, if द economy इज overheating and citizens are स्पेंडिंग मैंने आपको बताया ज्यादा स्पेंड करना भी ठीक नहीं है अगर ज्यादा भी लोग स्पेंड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है ये ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट हो रही है ज्यादा इंडियन करेंसी circulate हो रही है वो भी हमारी इंडियन economy के लिए सही नहीं है ठीक है उससे हमारी इंडियन करेंसी पर अफेक्ट पड़ सकता है वर्ल्ड के लेवल पर इसीलिए ओवर कंजम्पशन भी ठीक नहीं है अंडर कंजम्पशन भी ठीक नहीं है एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हर एक कंट्री चाहती है और फिस्कल पॉलिसी एट दी एंड कंक्लूडेड वे में आपको economic balance, economic आपको इकोनॉमिक इकोनॉमिक बैलेंस ग्रोथ किस तरीके से क्रिएट करनी है वो ही बताता है ओके दिस पॉलिसी असेंशियल गोल इज टू में बैलेंस्ड अप्रोच राइट मतलब आपको बैलेंस रखना है हर चीज में कि ज्यादा भी स्पेंड ना हो मार्केट में ज्यादा कैश भी ना आए और मार्केट में कैश की कमी भी नहीं होनी चाहिए ओके okay? नेक्स्ट टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी जैसा कि मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी में बताया था कि सी आर आर एस एल आर और आप बोल सकते हो बैंक रेट एंड क्रेडिट सीलिंग दीज आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी राइट तो सिमिलरली फिजिकल पॉलिसी ऑल्सो यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स किस तरीके से पहला होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट एरियाज में स्पेंड कर रही है नेक्स्ट इज टैक्सेशन ठीक है टैक्सेशन टैक्स रेट्स क्या हैं आपकी कंट्री में क्या टैक्स रेट ओवर तो नहीं हो रहे हैं ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं जिससे लोगों पर स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा है या फिर इतने कम तो नहीं है कि लोग जो है वो उनका जो पैसे हैं वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो रहा है सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ओके नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स लाइक यू नो सी की भाई हाँ किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है पेमेंट्स का ठीक है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स में आप बोल सकते हो कि सब्सिडीज फॉल कर सकती हैं राइट ओके नेक्स्ट इज डेट मैनेजमेंट तो डेट मैनेजमेंट मतलब कि जो गवर्नमेंट है ऐसा तो नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट लोन नहीं लेती है राइट डेफिनेटली लोन लेती है तो so, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं से किसी तरह का डेट होता है आउटर जो ऐसी अथॉरिटीज होती हैं उनसे भी गवर्नमेंट हमारी लोन लेती है तो so, उस डेट को किस तरीके से मैनेज करना है वो भी इसमें आता है ओके नेक्स्ट इज बैलेंस्ड बजट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरी गवर्नमेंट ट्राइज दे इकोनॉमी टू बी वेरी बैलेंस्ड वे राइट एक बैलेंस में चलना है हमको हमको ये नहीं देखना है कि हम मतलब ओवर कंजम्पन भी नहीं होना चाहिए आपके मनी का और अंडर कंजम्पन भी नहीं होना चाहिए एक बैलेंस्ड वे ऑफ अप्रोच होनी चाहिए तभी जो है आपकी इकोनोमी एक स्टेबल वे में ग्रोथ करती है राइट एंड स्टेबिलिटी इज वे मोर इंपॉर्टेंट दैन एनी थिंग ओके नेक्स्ट इज ओके ओनली फाइव पॉइंट फॉर ओके नेक्स्ट इज ओके वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसीज़ ठीक है कितने टाइप्स हैं फिजिकल पॉलिसीज़ के तो तीन टाइप्स होते हैं फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी सेकंड इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड थर्ड इज न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी तो जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है कॉन्ट्रेक्शनली पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी तो देखिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ठीक है पैसा जो है वो गवर्नमेंट कम देगी अब आपको ठीक है तो डेफिनेटली जो है आप देखोगे कि कॉन्ट्रैक्शनरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग राइट गवर्नमेंट अपनी जो स्पेंडिंग है उसको कम कर रही है उसको कट कर रही है और रेजिंग टैक्सेस इवेंचुअली अगर आप स्पेंडिंग कम कर रहे हो तो टैक्सेस आपको रेस करना ही पड़ेगा ठीक है आप टैक्सेस रेस करोगे जो लोग हैं वो पैसा कम खर्च करेंगे ठीक है क्योंकि उनका आधा पैसा जो है वो टैक्स देने में जा रहा है इसलिए रेजिंग ऑफ टैक्सेस इज ऑलवेज सम वॉट रिलेटेड टू कटिंग ऑफ यू नो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओके रिजल्टिंग इन टैक्स रेवेन्यू एक्सीडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग दिस अप्रोच रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनोमी स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एलिविएटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर ठीक है तो ऑब्वियसली बात है जब टैक्स रेट्स बढ़ते हैं लोग पैसा कम डाल रहे हैं मार्केट में तो इकोनॉमी भी हमारी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी राइट नेक्स्ट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी दिस अप्रोच टैक्स कट्स एंड एक्सपैशनरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब टैक्स भी कट हो गया है अब लोगों के हाथ में ऑलरेडी पैसा ज्यादा है क्योंकि टैक्स का पैसा जो है उनके पॉकेट में ही है टैक्स उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं दिया प्लस जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा स्पेंड करती है वो भी स्पेंड कर रही है तो आप खुद सोचिए एक तरीके से विन विन सिचुएशन हो गई राइट right? यहां वहां से भी पैसा है टैक्स भी कट हो गया है तो पैसा वहां भी जो है वो ह्यूमंस हुम, का सेव हो रहा है इसमें न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी में कोशिश की जाती है कि आपकी जो इकॉनॉमी है वो काफी स्टेबल रहे काफी बैलेंस्ड रहे ओके न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी बैलेंसेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग विथ टैक्स रेवेन्यू मीनिंग दैट ऑल टैक्स रेवेन्यू इज फुल्ली यूटिलाइज फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओके जो भी टैक्स है अगर गवर्नमेंट के पास कोई टैक्स रेवेन्यू आ रहा है तो वो एक सही तरीके में जो है वो यूज हो वो जो है वो इस पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जितना भी पैसा आ रहा है वो सही जगह पर जो है वो यूज होना चाहिए ओके लेट्स मूव टू दस्ट नाउ दीज आर दब्जेक्टिव हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव हैव सिक्स ओके फर्स्ट हम देखते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट तो फिजिकल पॉलिसी का सबसे ज्यादा जो आप देख बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट भी है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट जो हमारे सिटीजन द दिटीजन ऑफ इंडिया हमको ट्राई करना है कि हम कोशिश करें कि हर एक एम्प्लॉय हमारे पास होना चाहिए जो भी हमारे सिटीजन है वो अनएम्प्लॉयड ना रह जाएं क्योंकि अगर वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे अगर वो बेरोजगार रहेंगे तो उनके पास पैसा कहां से आएगा फिर स्पेंड करने के लिए और अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी कैसे रन करेगी राइट right? इसलिए हम देखते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज की इतनी बुरे हालात हैं क्योंकि वहां पर जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा दर पर है इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट इज सम वॉट रिलेटेड टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये चीज जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है ओके नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी तो जो हमारी इंडियन करेंसी है आपको पता है इंडियन करेंसी जो हमारी इंडियन रुपी है उसकी स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर वो फ्लक्चुएट करेगी ज्यादा करेंसी का प्राइस बढ़ेगा कम होगा तो हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो ऑब्जर्व करती है सारी करंसी को और ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी जो करेंसी है वो डॉलर के केस में काफी वीक है राइट डॉलर जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट करेंसी है तो इसीलिए हमको अपने प्राइस को स्टेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी करेंसी को रखें, इकोनॉमिक right? डेवलपमेंट okay. तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इवेंचुअली आप बोल सकते हो कि एक तरीके से साथ में चलता है किस तरीके से अगर इंसान के हाथ में पैसे होंगे अगर लोगों के हाथ में पैसा होगा तभी हमारा जो है वो डेवलपमेंट होगा क्योंकि आपको पता है कि अगर लोगों के हाथ में पैसा है तो फिर अपने अगर वो कोई कंपनी रन करते हैं या फिर उनको कोई एजुकेशन करनी है तो अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर उनको कोई कंपनी बनानी है तो वो वो भी नहीं खोल पाएंगे उनको कोई एजुकेशन लेनी है या फिर उनको कुछ फर्दर एक्सपर्टीज हासिल करनी है किसी भी केस में तो वो भी वो नहीं कर पाएंगे इसलिए उस केस में हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमको एट दी एंड जो है वो स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है और ऐसे वर्कर्स की जरूरत है जिनको उनके एस्पेक्ट ऑफ एरिया में नॉलेज होनी चाहिए ओके थर्ड इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस राइट ये थोड़ा सा मिस हो गया है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो क्या है कि जो रिसोर्सेज है हमारे उनका जो एलोकेशन है उनका जो यूसेज है वो प्रॉपर होना चाहिए कि जहां पे हमको लग रहा है कि ओके okay, यहाँ पे नीड है वहीं पे उसका यूज होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है लोग वहां पे कम है और आपके रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा हैं ठीक है तो ऐसा जो है वो थोड़ा सा एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है ओके देन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ओके तो इनकम और वेल्थ जो है वो इक्वल होना चाहिए मतलब डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है कुछ लोगों के पास कम है तो ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है वो एक कंट्री की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती इसलिए जो है कोशिश करती है गवर्नमेंट कि इक्विटेबल जो है वो ग्रोथ होनी चाहिए तो जिनके पास नहीं है जो मार्जिनलाइज कम्यूनिटीज हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज के थ्रू जो है वो पैसा देती है ओके okay. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आपको पता है कि अगर प्राइस स्टेबिलिटी आएगी तो डेफिनेटली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी तो ये जो दोनों पॉइंट्स है वो आपस में इंटर रिलेटेड है ओके ओके देन दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो गाइस आई होप आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आया हो और फिजिकल पॉलिसी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो टिल देन आप और वीडियोज के लिए इकोहलिक्स चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए खुश रहिए पढ़ते रहिए जय हिंद जय भारत